नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको वेस्ट फेसिंग कॉफ़ी शॉप के बारे में बताना चाहूँगा। आप अपनी दुकान नहीं करने जा रहे हैं, या आप अपनी दुकान को रेनोवेट करने जा रहे हैं, या किसी कारण से आपकी अपनी दुकान यानी कि कॉफ़ी शॉप में वर्किंग अच्छी नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं है, कस्टमर अच्छा नहीं आ पा रहा है, अच्छे की परिभाषा ज़्यादा, आपकी अपनी वर्किंग ही ऐसी है कि कस्टमर आपके यहाँ ज़्यादा आएगा तो इनकम अच्छी होगी, कस्टमर ही नहीं आएगा, फुटफॉल ही नहीं होगा तो आपके यहाँ सेल अच्छी हो ही नहीं सकती। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे अपनी कॉफ़ी शॉप के अंदर कस्टमर की मूवमेंट अच्छी हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपका अपना फ्रंट वेस्ट है, वेस्ट के अंदर आपने क्या काम करना है। आपकी अपनी बहुत बड़ी कॉफ़ी शॉप है तो ठीक है, बहुत बड़ा स्पेस है तो बहुत बढ़िया है, किसी कारण से ये भी देखने में आता है छोटे छोटे स्पेस होते हैं और कस्टमर की जो मूवमेंट होती है, सिटिंग एरिया जो होता है उसका अपना, बाहर या तो स्टैंडिंग या बाहर ही दुकान के बाहर सिटिंग एरिया बनाया जाता है, वो सिटिंग एरिया आपको अपने फ्रंट में बाहर कंप्लीट नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक जितना एरिया आपको मिले आप अपने यहाँ पर सिटिंग एरिया उनका दे सकते हैं। स्टैंडिंग टेबल आप लगा सकते हैं, उन टेबल्स का जो कलर होना चाहिए, ग्रे कलर या वाइट कलर या फिर येलो कलर, ये तीन कलर कौन से, ग्रे, वाइट और येलो, आप तीनों कलर आप फ्रंट में दे सकते हैं। फ्रंट में शटर पर जो आपका अपना कलर आना चाहिए वो आपका अपना कलर आएगा वाइट कलर या ग्रे कलर। इसी के साथ में एंटर कर ओनर की भी स्टाफ की भी, जो अंदर आने का जो रास्ता रहेगा नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में से रहेगा। उसके बाद आपका अपना ये फ्रंट में काउंटर लग जाएगा, सर्विस काउंटर भी आपका अपना ये हो गया और बिलिंग काउंटर भी आपका यही रहेगा और डिस्प्ले काउंटर भी आपका अपना यही रहेगा। इसके बाद आपने अपना फ्रिज, ऑनर की सीटिंग, स्टाफ की सीटिंग, फ्रिज आपने एक लगाना है एक लगाए, दो लगाने हैं दो लगाए। इसके बाद जो कॉफी की मशीन, चाय की मशीन जो लगेगी वो आपकी अपनी साउथ ईस्ट जोन में ईस्ट वॉल पर भट्टी लगती है, गैस लगती है, चूल्हा लगता है, माइक्रो इलेक्ट्रिक मशीनें आती हैं, कॉफ़ी मशीन आती हैं, वो मशीन आपने इस जोन में, यहाँ आपका अपना स्टाफ हो जाएगा। अब इस सारे सामान की स्टोरेज, कौन सी खाने के सामान की स्टोरेज भी आपको करनी है, वो कंप्लीट स्टोरेज आपकी अपनी साउथ वॉल पर ही आनी चाहिए, ईस्ट वॉल पर भी आपके अपनी स्टोरेज आ सकते हैं। स्टोरेज में लाइट वेट स्टोरेज, हल्की स्टोरेज, जो आपकी अपनी आइटम फर्स्ट मोमेंट में रहेंगी। नॉर्थ वॉल पर भी आपकी अपनी डिस्प्ले आ सकती है लाइट वेट वाली। इसके साथ में पीने का पानी और कोल्ड ड्रिंक्स आपने कहाँ रखनी है, पहली बात तो जो आपके ये दो फ्रिज लगे हैं इसी के अंदर आ जाएगी, बाई चांस आपको तीसरा कोई बड़ा फ्रिज भी लगाना है स्टैंडिंग फ्रिज, वो आपका अपना ईस्ट जोन में, यहाँ आपका अपना फ्रिज आ जाएगा, पीने का पानी आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपकी अपनी दुकान के अंदर कॉफ़ी शॉप में इतना स्पेस नहीं है कि कस्टमर की मूवमेंट अंदर हो जाए। इसके साथ में आपके अपने यहाँ पर गैस चूल्हा लगा हुआ है जिस पर आपकी अपनी कॉफ़ी बननी है, चाय बननी है या कोई और आइटम आपके यहाँ बनती है, तो आपको अपने यहाँ पर चिमनी भी जरूर लगानी है, उसकी चिमनी लगा के डक्टिंग करके एग्जॉस्ट सीधा यहाँ बाहर निकाल देना है। फर्श की ढलान आपने अपनी कॉफ़ी शॉप के अंदर, आप नहीं बनाने जा रहे हैं रेनोवेट करने जा रहे हैं तो स्लोप आपने जरूर देना है साउथ टू नॉर्थ। फर्श का स्लोप जरूर आपने करना है, टाइल्स या पत्थर आप कोई भी लगाते हैं तो क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर आप लगाएंगे, आपको रिजल्ट इससे बहुत अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। जो ओनर की चेयर, स्टाफ की चेयर्स जो आनी है सिटिंग एरिया के लिए, स्टूल आना है वो हमारा अपना रेड कलर का आएगा। आप मेरे द्वारा
जो जानकारी मैंने आपको दी है, इस जानकारी से आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी नई दुकान बनाने जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं, दो तीन बार देखने के बाद अपने यहाँ पे चेंज करते हैं या दुकान बनाते हैं तो मेरी वीडियो समझ में अच्छे से आ जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।